क्लास टेंथ एनसीईआरटी चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? एक तो हमें गिवन है S7, S7 क्या गिवन है हमें 49, और दूसरी चीज हमें क्या गिवन है S17, ये क्या गिवन है हमें 289। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। ठीक है, आप तो इसको देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। पहले एक चीज बताओ, एज वी नो दैट Sn क्या होता है, Sn विल बी n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, यही होता है। अब मैं इसमें ये वाली फर्स्ट के लिए इसके लिए अप्लाई करता हूं, तो मैं यहां से बोलूंगा S7 विल बी 7 बाय 2 इंटू 2a प्लस 6d, और ये किसके इक्वल हमें गिवन है, 49 के इक्वल गिवन है। तो यहां से 7 से ये गया 7, तो यहां से मेरे पास क्या आई, और ये 2 से ये 2 कट और ये 3 बन गया, तो यहां से मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये S17 यूज करते हैं, S17 हमें किसके इक्वल दे रखा है, 289 के इक्वल, तो मैं यहां से बोलूंगा 17 बाय 2 इंटू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, ये होगा। अब एक चीज बताओ, अगर मैं इसको कट करता हूँ, 17 से ये गया 17 बच गया, और इधर a से 2 से ये 2 कैंसिल और ये 8 बन गया, तो मेरे पास यहां से क्या इक्वेशन आई, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। देखो, तो हमारे पास इक्वेशन 2 क्या था, a प्लस 8d था, और इक्वेशन 1 में क्या था, a प्लस 6d था। एक सेकेंड, देखो a प्लस, ये a प्लस 3d था, सॉरी a प्लस 3d, और ये किसके इक्वल आएगा, देखो इधर था 17 और ये वाली टर्म क्या थी 7, तो 17 माइनस 7, तो ये a से a कैंसिल होगा, इधर क्या बच गया 5d, तो 5d इज इक्वल टू 10, तो यहां से d की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, d 2 आ गया। अब नाउ यूजिंग इक्वेशन 1, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 मेरे पास a की वैल्यू आएगी, देखो इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, मैंने d की वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब मेरे पास a भी आ गया और d भी आ गया, अब मेरे को इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो मेरे को Sn निकालना था, तो Sn क्या आएगा, n बाय 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, यही बनेगा। अब एक चीज देखो, इस 2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा, n इंटू 1 प्लस n माइनस 1, अब ये 1 से 1 कैंसिल होगा, तो फाइनली मेरे पास Sn क्या आ गया, n स्क्वायर, यही हमारा फाइनल आंसर है।